उसके लिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि छुपने के लिए छुपने की जगह ढूंढना बहुत मायने रखता है। ऐसी जगह ढूंढो जिसके बारे में कोई और सोच भी न सके। पहले मेरा तरीका देख लो। अब तुम सब आंखें बंद करके गिनती गिनो। लुक कर लो बॉस। एक, दो, तीन। हम आए। धप्पी, मैंने आपको ढूंढ लिया। हाँ ढूंढ लिया, हाँ ढूंढ लिया। अरे मैं जानबूझकर मुश्किल जगह नहीं छुपाता, वरना तो नहीं ढूंढ पाते मुझे। इस बार आप कहाँ छुपने की सोच रहे हैं लुका छिपी के उस्ताद? कहाँ छुपेंगे लुका छिपी के उस्ताद? हाँ बस देखते जाओ, इस बार मुझे ढूंढ कर दिखाओ। यहाँ तो वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, और ये जगह भी बहुत अच्छी है। हम आ जाए। आ जाओ। माओ 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 माओ। हमने आपको ढूंढ लिया। हमने उस्ताद को ढूंढ लिया। हमने उस्ताद को ढूंढ लिया। अरे इस बार तो मैं मत गड़बड़ कर गया, इसलिए तुमने मुझे ढूंढ लिया। अप्पा आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। इस बार मुझे ढूंढ कर दिखाओ तो जानू। इस बार तो वो सच में मुझे ढूंढते रह जाएंगे। हम आए। वो इस तरफ आने की तो कभी सोच भी नहीं सकते। अब देखता हूँ कि वो मुझे कैसे ढूंढते हैं। तोते चिल, जरा पहाड़ के किनारे पर जाकर देखो। वही देखने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे ये क्या कर रहा है? हमने लुका छिपी के उस्ताद को ढूंढ लिया। हमने ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया। नहीं तो मैं चाहता था। मुझे अच्छी तरह पता है आप इसलिए पकड़े गए क्योंकि आपको छुपने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला होगा। अप्पा अब तुम जिद कर रहे हो तो मान लेता हूँ, वरना अगर मैं ढंग से छिप जाऊँ तो मैं खुद को भी नहीं ढूंढ पाता। चलो अब मैं तुम्हें छुपने वाले को पकड़ने के तरीके सिखाता हूँ। सबसे पहले उन जगहों पर देखो जो आसानी से नजर नहीं आती। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसी जगह कैसे देखते हैं। जैसे पत्थरों के बीच छुपी हुई उस गुफा को देखो। ऐसी जगह लोग छुपना पसंद करते हैं। सबसे पहले इस गुफा के घुसने के रास्ते के सामने आओ। गॉन, तुम यहाँ आकर क्या करोगे? आप ही बता दो अप्पा। ऐसे मौके पर एक डंडी अंदर डालकर देखो कि अंदर कोई इंसान है या नहीं। इस तरह से इससे पता चल जाएगा कि अंदर सांप या बिच्छू है, और तुम दूसरी जगह ढूंढ सकते हो। अप्पा हमने पहले ही अच्छी तरह देख लिया था कि अंदर कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तुमने पूरी तरह नहीं देखा। ऐसी जगह ये भी देखना चाहिए कि कोई ऊपर तो छुपकर नहीं बैठा है। ऐसे अब हमने पता कर लिया है कि अंदर कोई नहीं है। आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुमने देख लिया ना, वहाँ कोई नहीं था। इसी तरह हमें दूसरी जगहों की छानबीन भी करनी चाहिए। जैसे हम झाड़ियों में जा रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उस्ताद हमें बताओ कि इनमें छुपते कैसे हैं? अब हमें बताओ कि इनमें छुपते कैसे हैं? हाँ वो भी बताऊंगा, मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन एक एक करके। बच्चे भी बहुत जल्दबाज होते हैं। ये मेरे ऊपर भारी चीज क्या है? चलो गॉन, अब हम सब लोग खेलते हैं। खेलते हैं, खेलते हैं। इससे पहले हम सब लुका छिपी खेल रहे थे ना? हाँ चलो। रॉक पेपर सीजर्स। चलो सब जल्दी से छुप जाओ। बहुत हो गया, अब मैं घर निकल लेता हूँ। मैं आऊँ। हाँ आ जाओ। गान की अम्मा, मैं आ गया। ये तुम्हें क्या हो गया अप्पा? पूछो मत। और तुम्हारे सर पर ये गोले कैसे बन गए हैं? तुम आखिर कर क्या रहे थे? मैं लुका छिपी खेल रहा था। बच्चों के साथ लुका छिपी खेल कर उन्हें छुपने और ढूंढने के तरीके सिखा रहा था। और उसमें तुम्हारी ऐसी फटीचर हालत हो गई? वो कुछ सीखे कि नहीं? सीखेंगे क्यों नहीं, आखिर में लुका छिपी खेल का उस्ताद जो ठहरा। अप्पा हमें टॉन नहीं मिल रहा। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा? टॉन।
टोन। इतना सिखाने के बाद भी पता नहीं वो कहाँ चला गया। गोहन की अम्मा वो अब भी नहीं मिल रहा। तुमने बच्चों को ऐसी बेकार की चीजें क्यों सिखाई? मुझसे गलती हो गई। अब डॉन को कहाँ ढूंढे? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो, कहाँ गया वो? कहाँ गया डॉन? कहो तुम, कहो। पता नहीं डॉन कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढे उसको? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं आराम से गॉन के घर में सो रहा था। अगर अंदर देख लेते तो मैं तुम्हें मिल जाता। और सब लोग रो क्यों रहे हैं? मैंने क्या किया? मैंने इसे लुका छिपी का उस्ताद बनना सिखाया।